Viewers, good morning, good afternoon, good evening, wherever you are from. Welcome to the Aijaz Qureshi Show. Today's episode is very special to me because I have a friend who has been with me on this show before, and I'm always proud of her. She is an amazing, amazing, amazing athlete, mashallah. Pakistan ka naam duniya mein roshan kiya inhone. और बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं, अपनी फील्ड की माहिर हैं, गोल्ड से कम तो लेकर के नहीं आती हैं, लेकिन सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, ब्रॉन्ज भी इनको मिले, डबल गोल्ड मेडलिस्ट. कैन यू इमेजिन, डबल गोल्ड मेडलिस्ट, ऑलवेज नेशनल चैंपियन एंड गोल्ड मेडलिस्ट चैंपियन, और सैफ गेम्स के अंदर फर्स्ट गोल्ड लेकर के आई हैं, सिल्वर मेडलिस्ट भी हैं, और बहुत सारे काम जबरदस्त कर रही हैं. नन अदर देन शाहिदा अब्बासी. शाहिदा अब्बासी कराटे की नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियन है, और आप इनको हमारे साथ पहले भी इस शो पर देख चुके हैं. काफी अर्सा पहले भी हमने इनकी विनिंग्स अपने शो पर आपके साथ शेयर की थी. आज ये बात हमारे साथ करेंगी. लेट्स बी द पावर ऑफ ईच अदर. वेलकम कहते हैं अपनी गेस्ट को, शाहिदा अब्बासी. अस्सलाम वालेकुम शाहिदा. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. सबसे पहले तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत 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 ज्यादा दिली मुबारकबाद आपको हमारी सबकी तरफ से, व्यूवर्स की तरफ से भी, कि आप माशाल्लाह बहुत जबरदस्त आपकी विनिंग्स हैं, आप काम बहुत जबरदस्त कर रही हैं, और गोल्ड से पीछे तो आप हटती नहीं है, फर्स्ट रहती हैं. तो और लोगों का क्या बनेगा फिर ये, जिनको गोल्ड नहीं मिलता है. थैंक यू सो मच सबसे पहले क्योंकि ये मेरे लिए फख्र की बात है कि सब मुझे देख रहे हैं और सब पाकिस्तान की बेटी को देख रहे हैं. मेरे लिए झंडा उठाना ये मेरी मकसद नहीं, मेरा एक ड्रीम है, क्योंकि पाकिस्तान के फ्लैग को हर जगह लहराना और उसके एंथम को सुनना और दूसरों को खड़ा करना अपने एंथम पर, ये हर एक पाकिस्तानी प्लेयर का विश होता है. तो मैं हमेशा ख्वाहिश करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि लोग मेरे लिए दुआगो हो, और मुझे हमेशा यही दुआ करे कि शाहिदा हर जगह जाए, गोल से कम मेडल ना लाए. क्या बात है, गोल्ड से कम मेडल ना लेकर क्या है. तो इस वक्त जो है वो आप मुकीम हैं क्वेटा बलूचिस्तान में. जी, मैं क्वेटा बलूचिस्तान से ताल्लुक रखती हूँ और हजारा कम्युनिटी में हूँ. हजारा कम्युनिटी में है, माशाल्लाह क्या बात है. हजारा कम्युनिटी हमारी बड़ी जबरदस्त कम्युनिटी, बहुत सारे हमारे फ्रेंड हजारा से हैं, और माशाल्लाह से बड़ा जबरदस्त काम कर रहे हैं. थोड़ा सा मैं आपको बचपन में लेके जाता हूँ आपके, ठीक है. 5-6 years old, 5-6 साल की शाहिदा अब्बासी, क्या याद आता है आपको? नॉटी गर्ल थी, ऐसी स्टे बैक करती थी, क्या करती थी? मैं छोटी थी, लेकिन कुछ ज्यादा लड़ाकू नहीं थी, नॉटी थी. हाँ, हर जगह में अपना पांव मतलब घुसाना चाहती थी, क्योंकि स्कूल में भी इसी तरह थी. स्कूल में भी मेरे टीचर्स इंशाल्लाह अगर हो तो मुझे लाइफ दे सकते हैं, क्योंकि मेरे एक टीचर जो मेरे फेवरेट थे और हमेशा रहेंगे, मेरे स्कूल टीचर है सर इलियास, जो दुबई है, जो मुझे शायद देख ना पाए क्योंकि वो बिजी होते हैं बहुत. अच्छा. लेकिन मैं हमेशा अपनी स्कूल की पोजीशन, फर्स्ट पोजीशन होल्डर थी अपनी स्कूल के भी, और हमेशा बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड भी लेके आती थी और प्रीफेक्ट भी थी. तो माशाल्लाह से मेरे जो टीचर्स हैं, मैं हमेशा ख्वाहिश करती हूँ कि काश मैं अपने टीचर को देख सकूँ. क्यों सिर्फ मेरे जो कुछ टीचर्स मुझे कभी कभी मिलते हैं तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं उनको देख रही हूँ. और मैं अभी भी स्टूडेंट से यही ख्वाहिश करती हूँ कि अपने टीचर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करें. अभी जो मेरे टीचर्स हैं वो तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं हमेशा दुआगो हूँ और वो भी हमेशा मेरे लिए दुआगो है. माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त. अल्लाह ताला आपको इसी तरह अपने उस्तादों की रिस्पेक्ट करता हुआ रखे. और ये शो हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा फेसबुक पर भी, और ये ट्विटर पेरिस्कोप पर भी इस वक्त लाइव जा रहा है, फेसबुक पर लाइव जा रहा है, यूट्यूब पर भी ये चैनल पे हमारे आ जाएगा. तो आप इसको बिल्कुल उनको लिंक भेज दीजिएगा, वो जरूर देखेंगे. कुछ कमेंट्स आ गए हैं हमारे पास, कमेंट्स हम बिल्कुल शो के अंदर शामिल करेंगे, और बल्कि अभी कर लेते हैं. हमारे पास कौन कौन है जनाब, यहाँ पर हम शुरू से देखते हैं. हमारे पास है जनाब मुबशर खान जदून भाई, हमारे पास हैं, कह रहे हैं प्राउड ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट
अंधी हुई भी है शायद, इन्हें इस तरह सपोर्ट हासिल नहीं हो गई जिस तरह गवर्नमेंट का हक बनता है। गवर्नमेंट की सपोर्ट से शिकायत है इनको जनाब। मजहर डोगर भाई कह रहे हैं गुड, थैंक यू सो मच मजहर भाई, बहुत शुक्रिया। नाइस भी कह रहे हैं, बहुत शुक्रिया। खादिम जाम बलोच भाई कह रहे हैं ग्रेट सर, थैंक यू सो मच जनाब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आयमा खान सदोजई हमारे साथ हैं कश्मीर से, कह रही हैं सलाम। और अब्बास अली भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्बास भाई। फिर कह रहे हैं जनाब वालेकुम, डबल सलाम हो गया जनाब। कंदोल बाचा जी कह रहे हैं जी, कंदल कंदल बाचा जी कह रहे हैं माशाल्लाह चैम्प। हाँ जी बिल्कुल चैम्प तो है ना। नरमीन जमाल हमारे साथ हैं, गुड मॉर्निंग कह रही हैं टोरंटो से जनाब, थैंक यू सो मच नरमीन। अब्बास अली भाई कह रहे हैं आवर प्राउड शायद अब्बासी चैंपियन। यस ऑफ कोर्स जनाब, हमारा सबका, हम सबका प्राउड। जाफरान चेची भाई हमारे बड़े प्यारे भाई और दोस्त इस्लामाबाद से कह रहे हैं कि जी जीत रहे एजाज भाई, माशाल्लाह म्यारी प्रोग्राम करते आ रहे हैं जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारी कोशिश होती है कि हमारे जो अनसंग हीरोज हैं हम उनको सामने लेकर के आए। और कितने लोगों को ये पता होगा इस वक्त, ये जो हमारे इस वक्त सर्कल में हैं लोग या जो और लोग हैं, के शाहिदा अब्बासी ने कितने गोल्ड मेडल जीते हैं, इनकी क्या कंट्रीब्यूशन कराटे के हवाले से पाकिस्तान के लिए है और दुनिया में क्या इनका मुकाम है। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इन हीरोज को अपने शो पर लेकर के आए ताकि तमाम दुनिया से इनको मुतारिफ करा सकें। बहुत शुक्रिया। मेहमान की आवाज़ कम आ रही है, मेहमान की आवाज़ कम आ ओ, रही है। हाँ कोई बात नहीं, मैं कोशिश करेंगे, हाँ कोशिश करेंगे कि माइक्रोफोन को करीब किया जाए। अब्बास अली भाई ने कहा कि जी माशाल्लाह, अभी इतने सारे कमेंट्स आ गए हैं, हम लोग शो कब करेंगे अपना। अब्बास अली भाई कह रहे हैं कि जी माशाल्लाह शी इज अवर प्राउड ऑफ पाकिस्तान, शी इज द रियल चैंपियन। हाँ जी बिल्कुल, आई कंप्लीटली एग्री विद यू। शबीर हुसैन भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह शबीर भाई, थैंक यू सो मच। और कंदोल बाचा जी ने कहा कि जी माशाल्लाह माई चैंपियन, थैंक यू सो मच। और जियो हजारा जी, बिल्कुल जियो हजारा जी, क्या बात है। राजीव जसवाल भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं कि हाय थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। चलें जी, कमेंट्स हमने प्रोग्राम में अपने शामिल कर लिए और अब हम बात करते हैं आपके करियर के हवाले से। कराटे का ख्याल आपको, आपने कहा कि जी बचपन में मैं बिल्कुल किसी को मार कुट नहीं लगाती थी, तो कराटे में कैसे आप आ गई माशाल्लाह, ये बताएं। जब मैं छोटी थी तो मेरा एक छोटा भाई है, क्योंकि हम फोर सिस्टर थे और एक ब्रदर है, तो उसकी जो ख्वाहिश थी वो हमेशा कहता था कि अम्मी जब मैं जाती हूँ तो जो सामने से लड़के हैं, मतलब हमारे जो साइड हमारा क्लब बहुत नज़दीक है हमारे घर का, तो हम अच्छा उस गली से गुजरते थे, तो उसे भी शौक था। और मैं जब जाती थी वहाँ पे लड़कियाँ आवाज़ें निकालती थी, हाँ हूँ, तो मुझे इतनी शौक होती थी कि काश किसी दिन मैं भी यहाँ पे जाऊँ। तो एक अच्छा दिन, हाँ एक दिन यही आ गया कि मैं भी उस क्लब में गई। मैंने भी वही जो मेरे जो सपने थे, मेरे जो बहुत सीनियर थे माशाल्लाह, मीना थी, सुहेला थी, सुमैया थी, सईदा, तो अभी माशाल्लाह से वो लोग सारे, एक तो कनाडा में है आपके ही के पास है, तो एक दूसरी कंट्री गई है, एक इंडोनेशिया में है, तो हमें मैं हमेशा लिए हमेशा उनके लिए दुआगो हूँ, क्योंकि वो उन्हीं से मैंने सब कुछ सीखा। मेरे जो उस्ताद है, मेरे लेजेंड थे गुलाम अली, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने, जब मैं एडमिशन लेने गई थी वो खुद कैंप्स में थे, उसका भी एक टूर्नामेंट था यही सेव गेम्स में, जो इस बार हम गए थे वो उस टाइम उनका भी चैम्पियनशिप था, तो वो वहाँ पे गई, वहाँ पे ट्रेनिंग कर रहा था, तो फिर मैंने एडमिशन ली, जो मेरे सीनियर थे उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिया, फिर मेरा मेरा जो पहला नेशनल हुआ, मैं यहाँ पे अपनी डिस्ट्रिक्ट अपनी क्लब्स लेवल में हमेशा जीतती थी, लेकिन जो हमारे नेशनल लेवल था, जो सूबे से बाहर था, पहली बार मैं जब इस्लामाबाद गई तो मैं मेरा पहला ट्रिप ही मेरे लिए गोल्ड था, क्योंकि मैंने पहली फाइट मैंने गोल्ड लेकर, मैं अपने क्लब के लिए, अपने कंट्री के लिए, अपने सूबे के लिए मैं गोल्ड लेकर आई, तो मुझे बहुत खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी, जो मेरे कोच थे उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि ये तुम्हारा फर्स्ट ट्रिप था और तुम्हारी फर्स्ट एक्सपीरियंस थी और तुमने गोल्ड लेकर आया, तो मुझे बहुत खुशी हुई कि मेरे कोच ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया। तो मेरे जो बचपन है इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता मैं नेशनल लेवल पे आई, फिर इंटर डिपार्टमेंट आ गई, जो मैं क्योंकि अपनी नेशनल में मैं हमेशा अच्छी खेलती थी और बेस्ट खेलती थी अपनी अपनी तरफ से,
मुझे इंटर डिपार्टमेंट में बुलाया गया कि ये इस शाहिदा को हमारे डिपार्टमेंट में बुलाए। फिर मेरे जो उस्ताद थे उन्होंने कहा नहीं अभी तक ये बहुत छोटी है, छोटी है। हाँ ये बहुत छोटी है क्योंकि इसका स्कूल का क्या होगा, सेंटर वगैरह का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, और फैमिली भी इजाज़त नहीं देगी क्योंकि ये बहुत छोटी है। फिर 3 साल के लिए सेंसी ने मुझे, मेरे जो उस्ताद हम सेंसी बोलते हैं जापानी में, तो उन्होंने मुझे कहा अच्छा तुम अपनी पढ़ाई जारी रखो। फिर 3 साल के ठीक बाद फिर से हमें बुलाया, फिर सेंसी ने कहा चलो इस बार मैं इनको इनकार ना करूं। उन्होंने हमें वाबडा में बुलाया, फिर हम वाबडा में गए। इसी तरह वाबडा ने हमें नेशनल लेवल पे, हमेशा मैं नेशनल चैंपियन हो गोल्ड लेकर आती हूँ, और वो भी डबल गोल्ड लेकर आती हूँ अपने सूबे के लिए, अपनी डिपार्ट के लिए। और इंटरनेशनल लेवल पे भी हम साउथ एशियन गए, दुबई गए 2 बार, और श्रीलंका गए, अजरबैजान हम रिप्रेजेंट करने गए थे सोलिटरी गेम्स बाकू में, जो कहते हैं। फिर इस बार हम गए थे नेपाल में, काठमांडू में, जो अगले ओपनिंग से अगले ही दिन जब सबसे पहले कराटे का था, और कराटे ने सबसे पहले आगाज अच्छा किया क्योंकि वो आगाज मैंने की करनी होती। अगर मैंने गोल्ड ना जीता होता तो अल्लाह का भरोसा था मुझे कि इस बार मैं इंशाल्लाह गोल्ड ही लेकर जाऊंगी। और मुझे अपनी कोच पे, जो मेरा कोच है सर शाह मोहम्मद, वो बहुत अच्छे हैं क्योंकि आई जस्ट टेक हिज नेम वेरी रिस्पेक्टली, क्योंकि अच्छा जब मैं मैदान में गई उन्होंने मुझे बहुत बूस्ट किया, उन्होंने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया कि तुमने गोल्ड ही लेकर आना है और तुम गोल्ड लेकर आओगे। क्योंकि इंशाल्लाह हाँ मैं मैदान में गई, मैंने जीता तो मैं तो खुद रो रही थी क्योंकि वो खुशी के आंसू थे, सही लेकिन बात मेरा है, कोच भी मेरे साथ रो रहा था कि क्या शायदा, बात है, कहा सर आप क्यों रो रहे हो, उसने कहा तुम्हारी खुशी में मैं भी रो रही हूँ। क्या फिर बात मुझे है, बहुत खुशी हुई, मेरे सर ने मुझे बहुत अप्रिशिएट किया, मैं अपनी कोच की वो खुशी मैं बयान नहीं कर सकती। क्या बात है। अच्छा आपने थोड़ा सा ये वो ये जेंडर आपने चेंज कर दिया, आपके सर हैं, आपने कहा रो रही हैं आप, और आप अपने आप को करी मैं कर रहा था, मैं रो रहा था, मैं हंस रहा था, है जेंडर चेंज हो गया, कोई बात नहीं। जी खैर ठीक है ठीक है, बहुत सारे कमेंट्स हमारे पास आ गए हैं जनाब, हम देख लेते हैं, कुछ कमेंट ले लेते हैं। और हमारे बड़े प्यारे दोस्त और भाई नूरुल्लाह खुदजादा भाई कह रहे हैं सलाम सवाल जनाब, वालेकुम असलाम। समीर भट्ट हमारे साथ स्वीडन से हैं, अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू बो जनाब, वालेकुम सलाम, हम लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं जनाब माशाल्लाह से। और शाहिदा अब्बासी भी हट्टी कट्टी नजर आ रही है माशाल्लाह। और नूर लखनजादा भी कह रहे हैं कि शाहिदा फ्रॉम विच प्रोविंस यू प्लेइंग जनाब, बलोचिस्तान से ये खेलती हैं, क्वेटा बलोचिस्तान हजारा में रहती हैं और उसी प्रोविंस के लिए ये खेलती हैं, और नेशनल भी चैंपियन हैं और बहुत सारे माशाल्लाह से काम कर रही है। तो ये जब विक्ट्री आती है, और अच्छा एक और कमेंट आ गया जनाब इनका, कह रहे हैं सर आफ्टर ऑल शी इज पठान। हाँ जी बिल्कुल पठान है, वो जो मैंने कहा था ना कि वो सर करती है और मैं करता हूँ के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं। नहीं ठीक है थोड़ी तो मिस्टेक होती है जब इंसान इमोशनल होता है। सही बात है, इमोशनल होता है, बिल्कुल यही बात है, यही है, ऐसा ही है। अच्छा शायदा जब आप जब अनाउंसमेंट हो रही होती है, ठीक है ना, अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई होती, जब अनाउंसमेंट हो रही होती है तो क्या फीलिंग हो रही होती है उस वक्त की, यार क्या होने वाला है? सर जो फर्स्ट राउंड होता है हमारा, उसमें मेरे जो टीचर है उन्होंने कहा कि तुम्हारा फर्स्ट राउंड ही तुम्हारा फाइनल है, अगर तुम अच्छा फर्स्ट पहले राउंड में ही नॉकआउट करना है, हाँ अगर तुम फर्स्ट राउंड जीते मतलब तुम मतलब गोल्ड लेकर आओगे। फिर मैंने कहा सर मैं इंशाल्लाह जीतूंगी, मैंने कहा मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, मैंने कहा यही सर इंशाल्लाह मैं जीतूंगी। उन्होंने कहा चलो ठीक है। फिर मैं फर्स्ट राउंड लेके आई और मैंने सबसे अच्छा स्कोर किया, सबसे हाईएस्ट स्कोर पाकिस्तान का था, शाहिदा अब्बासी का था। तो क्या मेरा बात फर्स्ट राउंड ही मैं इतनी रोई, उन्होंने कहा कि वाह शाहिदा, मैं बाहर निकल आई, उन्होंने कहा कि शाहिदा तुम क्यों रो रही हो, तुम हार गई हो। मैंने कहा नहीं। फिर मैंने कहा ये खुशी क्या आंसू है, मेरे सर ने कहा था कि ये तुम्हारा फर्स्ट राउंड ही तुम्हारा फाइनल है। फिर सही है इसी वजह बिल्कुल से ऐसे। उन्होंने कहा कि चलो फिर मैं दूसरे राउंड के लिए, मेरे तीसरे राउंड के लिए, इसी तरह मैं ट्रेनिंग वार्म अप एरिया में गई, क्योंकि वार्म अप एरिया में वो लोग सारे जो दूसरे कंट्री से थे वो लोग सारे इस तरह शो कर रहे थे जैसे कि
गोल उन्हीं का है और हम हार जाएंगे, पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। लेकिन जब मैं गोल लेकर आई और मैंने जीता तो सारे शॉक्ड हो गए कि ये क्या है। फिर मैंने कहा कि ये गोल्ड है, और सारे खामोश हो गए और वार्मअप एरिया बिल्कुल खाली हो गया। फिर उन्होंने सब वार्मअप एरिया छोड़ दी हमारे लिए कि ये कैसा हुआ कि मैं ये इस तरह हुआ कि पहली बार, क्योंकि सर खुद ही के कंट्री में, क्योंकि नेपाल उसके अपने कंट्री में थे और नेपालियंस बहुत ज्यादा थे, सारी जगह आवाज रही थी कि नेपाल नेपाल नेपाल। और मेरे जो कंट्री के जो कुछ प्लेयर्स थे, मेरे जो सीनियर्स हैं, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए थे। मेरे साथ तो नहीं थे, लेकिन ऊपर जो क्योंकि ग्राउंड में किसी को इजाज़त नहीं होती है कंपटीशन के दौरान कि वो इंटर कर ले। फिर वो सही ऊपर से चिल्ला रहे थे मेरे पाकिस्तानी टीम के, शाहिदा शाहिदा पाकिस्तान पाकिस्तान। क्या मुझे बात बहुत है, खुशी, मेरे जो टीम के रोंगटे जो, हाँ टीम रोंगटे के खड़े हो जो रहे थे। छोटे आवाज थे, मेरे लिए वही मेरे सबसे ज्यादा एनर्जी थी। क्या बात है, फिर मैं फाइनल आ गई। फिर मेरा फाइनल भी सबसे हाईएस्ट स्कोर था और मैं रो रही थी और चीख रही थी। मेरे कोच भी मेरे साथ रो रहा था। मैं वो फीलिंग्स बयान नहीं कर सकती हाँ मेरा हमें फील। बिल्कुल हमें अंदाजा है। और इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट गोल था और आगाज था, और बिल्कुल इसी वजह से सब मुझे अप्रिशिएट कर रहे थे कि तुमने आगाज अच्छी करनी है। और एक और बात सर, ये हिस्ट्री है क्योंकि कराटे में अभी तक किसी फीमेल ने काटा में गोल नहीं लेकर आई। ये नहीं फर्स्ट, लेकर के, हाँ हाँ ये फर्स्ट प्लेयर मैं हूँ जो मैं पाकिस्तान के लिए कराटे में और फीमेल में काटा में गोल लेकर आई हूँ। तो क्या मुझे बात बहुत है, खुशी हो रही है और फख्र भी हो रही है। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। आप को भी फख्र है और हमें आप पर फख्र है, अब पूरे पाकिस्तान को आप पर फख्र है कि आपने इतना जबरदस्त काम किया। कुछ और कमेंट प्रोग्राम में शामिल करते हैं जनाब। हमारे साथ नूरुल अहमदादा भाई कह रहे हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच। उमर सत्तार बट भाई हमारे साथ आ गए हैं, कह रहे अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एजाज भाई कैसे हैं जनाब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और शायद अब्बासी भी जबरदस्त लग रही है माशाल्लाह। नूरुल्लाह खुदादा भाई कह रहे हैं कि मोस्टली अब्बासीज आर फ्रॉम अजारा डिवीजन, दिस फर्स्ट टाइम अब्बासी आल्सो एग्जिस्टिंग इन बलूचिस्तान। हाँ जी बिल्कुल, देखिए आप बलूचिस्तान से हैं, वहां पर भी हजारवी लोग मौजूद हैं, तो इसलिए अंडर एस्टिमेट ना करें बलूचिस्तान को, है ना? हाँ एग्जैक्टली ये ये चीज, नेशनल चैंपियन और बैठी है वहां पर, ऐसी बात नहीं, इंटरनेशनल चैंपियन बैठी हुई है। अब्बास अली हमारे साथ है भाई, कह रहे हैं कि जी सर गुड जॉब, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। गुड तो ये इनकी वजह से होता है, ये हमारे मेहमान जो हैं वो बड़े जबरदस्त काम करते हैं, और मेरा काम सिर्फ इन लोगों को शो पर लाना और इनको आप लोगों से इंट्रोड्यूस करवाना होता है। इन्होंने एक इमोजी भेजा है जो हम यहाँ पर नहीं देख सकते, सॉरी मैं अपनी वॉल पे जाके चेक करूंगा। अब्बास अली भाई ने कहा है सर गुड जॉब, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया सर। बुशरा बिलाल साहब हमारे साथ हैं और कह रही हैं कि कीप इट अप, यू आर ब्रिलियंट, थैंक यू सो मच, माशाल्लाह शी इज ब्रिलियंट और पाकिस्तान का फख्र है माशाल्लाह से। और बुशरा बिलाल साहब भी हमारे पाकिस्तान का फख्र हैं और इनके 50 से जायद OSTs पाकिस्तान टेलीविजन पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर इनके अब तक आ चुके हैं, और बड़ा जबरदस्त गाती है, बहुत कमाल का गाती हैं आई शुड से। बहुत शुक्रिया बिशा बिलाल साहब आपका। अब्बास अली भाई ने कहा जी आई एम रियली टू हैप्पी टू सी शाहिद अब्बासी जी, बिल्कुल हम लोग सब बहुत खुश हैं इनके शो पर तशरीफ लाने से। अभी आपकी हमने कुछ पिक्चर्स देखी गेम्स के बाद, तो इधर आपके पट्टी लगी हुई थी हैं? मेरे पति है। आपके पट्टी लगी हुई थी कि नहीं थी? जब वो आपको इंजरी हो गई थी, आपको नोज इंजरी हो गई थी ना एक गेम नहीं में, वो मेरी फ्रेंड की है। आपकी फ्रेंड की है, अच्छा आपकी वॉल पे मैंने देखी तो मुझे याद आया कि शायद वो आपकी जी आपकी फ्रेंड की, लेकिन बड़ा जबरदस्त उन्होंने भी खेला माशाल्लाह से, जी जी बहुत अच्छे। अच्छा जी कुछ हमारे पास पिक्चर्स हैं और कुछ वीडियोस हैं शायद अब्बासी की, जो हम आप दोस्तों के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, और आप जरूर देखिए उसको और एंजॉय कीजिए। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि मैं हमेशा ये कहता हूँ कि शेयरिंग इज केयरिंग, ये हमारी नेशनल हीरो हैं, पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली प्लेयर हैं, और आप इनको जरूर आप सपोर्ट कीजिए, प्रमोट कीजिए, और ताकि इनकी और हौसला अफजाई हो। मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ इनकी कुछ वीडियोस और कुछ पिक्चर्स।
ढोला खुदजादा भाई ने कहा कि जी सर डजंट मैटर फ्रॉम विच प्रोविंस शी इज, आफ्टर ऑल शी इज रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, आई एम प्राउड ऑफ हर। हाँ जी बिल्कुल एग्जैक्टली, हम सब पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। बुशरा बिलाल साहब ने थैंक यू कहा, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू सो मच ना, बहुत शुक्रिया आपका। और खादिम जान बलोच भाई ने कहा जी एडमी सर, जनाब ऐड ही तो नहीं ना मैं कर सकता, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं क्योंकि मेरे 5,000 फ्रेंड्स हो चुके हैं ऑलरेडी, कई दफ़ा हो चुके हैं, फिर मैं डिलीट करता हूँ, जगह बनाता हूँ लेकिन बिल्कुल अब जगह नहीं है। आप प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए इंशाल्लाह। और शाहिद अब्बासी को मेरा सलाम है, सिस्टर मिस यू ना, बहुत शुक्रिया खादिम जाम बलोच साहब आपका, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, तो अब हम कुछ आपके साथ इनकी वीडियोस और कुछ पिक्चर्स हम शेयर करने जा रहे हैं, उसके बाद में फिर हम ये इनके मेडल्स जो पीछे आपके मेडल टंगे हुए हैं ना, हाँ जी सर, हम ये भी देखना चाहेंगे, ठीक है ना? तो ये भी जरूर आपने सजा के रखे हुए हैं, ठीक है? लेकिन उससे पहले हम आपके साथ शेयर करते हैं कुछ हाँ जी, हम आपके साथ शेयर करते हैं ये चीज, ठीक है जनाब? और यहां से हम जाते हैं इस पर और इसको करते हैं प्ले। सर आवाज नहीं आ रही है। चलें जनाब, ये हमने देखा और ये एक वीडियो थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। पिक्चर भी हमारे पास हैं, कुछ इनकी पिक्चर्स मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। और ये देखिए बड़ी ज़बरदस्त, ये मेरे ख्याल है चेहरे से तो फिरदौस आशिक कवान लग रही हैं, क्या ऐसा ही है शायदा? सर ये मैम फहमीदा मिर्ज़ा है, ये जो इस साइड पे है, ये हमारे जो पाकिस्तान प्रेसिडेंट थे अच्छा ठीक है, अभी, ठीक और है, इसके जो बिल्कुल ठीक, मंत्री है सर जहांगीर है। सर जहांगीर हैं। इस साइड पे जो सुर्ख जो दूसरा टोपी वाला पहना है वो नेपाल के मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, पता नहीं मुझे स्पोर्ट्स किसके। मिनिस्टर नेपाल के हैं, ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थोड़ा सा माइक और करीब कर लीजिए, शायद आप
ताकि पिक्चर्स बताने में। नेपाल की दारुलहुकूमत काठमांडू में होने वाली 13वीं साउथ एशियन गेम्स 2019 नेपाल में शिरकत करने वाली पाकिस्तानी टीम में शामिल बलूचिस्तान की खिलाड़ी शाहिदा ने पहला गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। टीम क्वेटा इंडेक्स की जानिब से मुबारकबाद जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपको बहुत मुबारक हो। ये कौन साहब हैं आपके साथ? ये मेरे कोच है सर, शाह मोहम्मद शाह। शाह मोहम्मद शाह हैं, कोच हैं आपके, बहुत ज़बरदस्त जनाब, थैंक यू सो मच। ये आपके कोच हैं और ये आप हैं जनाब हजारा गर्ल्स। ये क्वेटा ग्लेडर के लिए एक वीडियो बनानी थी, तो PSL हो रहा था उसके लिए इन्होंने शूट किया था। हजारा गर्ल्स, ठीक है जनाब, ये भी आपके शाह मोहम्मद साहब हैं, बहुत शुक्रिया। और ये एक और पिक्चर आपकी तमाम विनर्स के साथ, तो इसमें चार विनर कैसे हो गए, यानी चार बंदे कैसे खड़े हैं? फर्स्ट सेकंड थर्ड तो होता है, मैंने देखा है कोई किसी पे, मतलब ब्रॉन्ज पे दो आए थे, हाँ, ब्रॉन्ज पे दो आए थे टाई हो गया था, ठीक है, श्रीलंका और जी श्रीलंका और बांग्लादेश। टाई हो गया था उनका, ठीक है जनाब। और कांग्रेचुलेशन शायदा कराटे पर आपको जनाब, बहुत मुबारक हो। और यहाँ पे क्या हो रहा है जनाब? सर ये नेशनल गेम्स जो पिशावर में हुआ था अभी इस बार, इसमें मेरा पहला गोल्ड आया था लड़कियों में। अच्छा माशाल्लाह, ये पहला गोल्ड आपका, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ये गोल्ड आप दिखा रही हैं, लोगों को ललचा रही हैं आप हैं, ठीक है जनाब। ये एक और पिक्चर, ये कौन सा आप हैं आपके साथ? ये पाकिस्तान प्रेसिडेंट है, कराटे कराटे का प्रेसिडेंट है कराटे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट पाकिस्तान के, मोहम्मद माशाल्लाह, बेग ठीक हो साहब। गया जनाब, बहुत शुक्रिया। ये खातून कौन है आपके साथ? सर ये नेशनल में जो लाहौर में हुआ था, तो एक गेस्ट था, चीफ गेस्ट था, इन्होंने मुझे मेडल गैस पहनाया। थी हमारी, ठीक है, बिल्कुल ठीक हो गया, ये गैस थी, ठीक हो गया बिल्कुल। ये वही खातून जिनका भी आपने जिक्र किया, ठीक मिदा मिर्जा है। और ये साहब कौन है? ये सर नसीम कुरैशी है, हमारे जो कराटे फेडरेशन के चीफ रेफरी है, मतलब सबसे बड़ा रेफरी है। चीफ रेफरी हैं, ठीक है, ठीक हो गया, ये आपके चीफ रेफरी हैं माशाल्लाह से। ये कौन सा आप हैं शायदा? कोर कमांडर है, ये इन्होंने हमें जो मैं नेपाल से मेडल लेकर आई थी, तो इन्होंने हमें बुलाया एप्रिसिएशन के लिए, हमें शील्ड दिया और 2 लाख रुपए इनाम दिए। वाह, अमेजिंग अमेजिंग भाई, अमेजिंग माशाल्लाह। और अगली पिक्चर को चलते हैं, ये है जनाब पाकिस्तान कराटे फेडरेशन PKF की, और ये पूरी टीम है आपकी। जी सर ये हमारी पूरी टीम है, हम लाहौर आए थे, हमारे वेलकम के लिए इन्होंने पोस्टर बनाया था, जो ठीक है, मेरा जो पिक्चर था, मैं सबसे पहले जो मेडल लेकर आई थी, इन्होंने ग्रुप पिक्चर लिया था और मैं दरमियान में बैठी थी, आप मैंने दरमियान में शील्ड बैठी हुई हैं, दिया। बिल्कुल, आप गोल्ड लेकर के आई हैं। ये जी आगे जी कौन खड़ा हुआ है, ये एक लड़की कौन खड़ी हुई है? वो मैं ही खुद, मैंने अपनी पिक्चर पे इशारा किया है। ठीक है, ये आपने अपनी पिक्चर पे इशारा किया, और वैसे बिल्कुल एक वो लग रहा है, फनी लग रहा है ना। ये जनाब कराटे कंपटीशन, और जनाब झंडा आपने पकड़ा हुआ है माशाल्लाह से, पाकिस्तान का क्या बात है जनाब। और ये भी आपका एक पोज है, और ये साहब कौन है? सर ये ऑफ ओलंपिक ओलंपिक कमेटी के वो हैं, ठीक है, ठीक हो गया जनाब, बहुत शुक्रिया। स्वीट मैम है, मैडम अंजलि है, मैडम अंदलीप हैं ये, माशाल्लाह, ठीक हो गया, बहुत जबरदस्त पिक्चर है। एक और पिक्चर जनाब, ये है, ये आपका कप, बहुत शाबाश है, क्या बात है जनाब, साहिवाल में हुआ था, तो उसमें मेरा गोल्ड था क्या बात है, ट्रॉफी ट्रॉफी के साथ। के साथ से, बिल्कुल ठीक है जनाब, ये आपकी ट्रॉफी हो गई, पाकिस्तान का झंडा और आपके मेडल्स, ठीक है जी। कराटे में पाकिस्तान की शाहिदा ने गोल्ड मेडल जीता, कांग्रेचुलेशन जनाब। और ये बड़ा जबरदस्त, राय तैमूर खान भट्टी साहब, मिनिस्टर फॉर YASA, क्या चीज होती है? सर ये लाहौर के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है। अच्छा, स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं, ठीक है जी। और फिर ये एक और तस्वीर है आपकी, सेलिब्रेशन है नेपाल से आते वक्त, नेपाल नेशनल से आते वक्त सेलिब्रेशन आपकी है। सेलिब्रेशन है, ठीक है माशाल्लाह, वेरी गुड। और ये कौन आपके साथ हैं?
पार्टनर थी मुझे नहीं पता, लेकिन ये बतूला से भी है इसमें। बतूल साहबा हैं। ठीक है कमिश्नर, थैंक यू सो मच। ये कौन सा आम है? सर अभी वुमेन डे में मुझे बुलाया तो मुझे शील्ड मिला था, आपको बुलाया शील्ड मिली? मुझे। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। शाबाश, आपका इंटरव्यू हो रहा है। सर मतलब नेपाल से आते वक्त तो एयरपोर्ट में न्यूज सारे आए थे, तो वाह, डॉन न्यूज है, बहुत 24 है, न्यू है, बोल है, और दुनिया है, और GNN है, और पता नहीं कौन कौन से। माशाल्लाह 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 ये जी। मेरी छोटी सिस्टर है और ये मेरे अब्बू है। ये आपकी छोटी सिस्टर और आपके वाले साहब, माशाल्लाह अल्लाह ताला इन दोनों को खुश रखे। और बस जी, हम यहाँ पे, हमारा ये स्लाइड शो खत्म हो गया और इसको हम बंद कर देते हैं और हम वापस आ गए अपने शो की तरफ। ठीक है जनाब। तो व्यूअर्स, आपने देखा कि इनके क्या जबरदस्त कारनामे हैं और बड़ा जबरदस्त इन्होंने काम किया। हम सब इनको सल्यूट पेश करते हैं कि पाकिस्तान का नाम शाहिदा परवीन इसी तरह, शाहिदा अब्बासी इसी तरह रोशन करती रहें। और अच्छा जी, कुछ कमेंट, बहुत सारे कमेंट्स मेरे पास जमा हो गए हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि इन तमाम कमेंट्स को आपके साथ मैं शेयर करूं। और नूरुल आखुनज़ादा भाई ने कहा कि सर जूम द स्क्रीन टू फुल। हाँ जी बिल्कुल, मैंने कर दिया था सर, मुझे एहसास हुआ कि थैंक यू सो मच भी कह रहे हैं। अब्बास अली भाई ने कहा आई एम रियली हैप्पी टू सी शाहिद अब्बासी, थैंक यू सो मच जनाब। हम सब नाजिया रहीमी प्राइड ऑफ पाकिस्तान कह रही हैं जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया नाजिया। आपका तस्वीर तो लगाएं नाजिया, आपकी आपकी तस्वीर नहीं आ रही है। खादिम जाम बलोच भाई ने कहा कि जी आप दोनों के लाइव साथ देख के बहुत खुशी हुई, हमारी प्यारी सिस्टर जो पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। सलाम सिस्टर जनाब, बहुत शुक्रिया। सोबियाली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ हैं लाहौर से और कह रही हैं कि प्राउड मोमेंट फॉर पाकिस्तान। बिल्कुल जनाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। आवाज़ नहीं आ रही है जनाब, आवाज़ की हम कोशिश कर रहे हैं। शायदा क्लैपिंग फॉर यू, थैंक यू सो मच जनाब, आपकी क्लैपिंग का बहुत शुक्रिया। उमर भट्ट साहब ने कहा जी माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अली अली भाई हमारे साथ हैं, उन्होंने कहा जी माशाल्लाह कीप इट अप, बहुत शुक्रिया। शोबी अली ने कहा माशाल्लाह ग्रेट शाहिदा, मे अल्लाह मोर पावर यू एंड गिव यू मोर सक्सेस, यू आर प्राउड ऑफ अस। बिल्कुल जनाब बिल्कुल, और इन्होंने दिल भी फेंका है, बहुत शुक्रिया शोबिया। चलें जी, स्माइली मैं ले लेता हूँ और दिल आपकी तरफ फेंक देते हैं। ठीक है जी, चलें, बहुत शुक्रिया शोबिया आपका, थैंक यू सो मच। शोबिया का हमारे साथ शो हो चुका है जनाब, आप जरूर इनको देखिएगा, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। और अभी हमने शो किया था कोरोना वायरस पर, उसके हवाले से भी मेहमान थी हमारे शो पर और बहुत जबरदस्त शख्सियत की मालिक हैं। शायदा बहुत जबरदस्त आप काम कर रही हैं, लेकिन आपके मेडल तो हमने पिक्चर्स में तो देखे, ठीक है ना, लेकिन घर में कैसे आपने सजा के रखे हैं, जरा वो तो दिखाएं ना जरा पीछे ये। हाँ अभी दिखाती हूँ। हाँ जी बिल्कुल। ये मेरे सारे मेडल्स है, मैंने सजा के रखे हैं। हाँ क्या बात है, क्या बात है अभी दिखा जी, अभी मेरे कुछ शुक्रिया। मेडल्स मेरे कुछ मेडल्स क्योंकि एक्सलेंसी अवार्ड हो रहा था, वहाँ आर्मी वालों ने मुझसे लिया था कि अवार्ड के वक्त हम आपको आपके मेडल अच्छा, को दिखाएंगे, तो और मैंने आपकी जो है ट्रॉफीज भी रखी हुई हैं, कप्स भी रखे हुए हैं आपके, शील्ड्स भी रखी हुई हैं आपकी, बहुत जबरदस्त, सारे कप्स है, फिर शील्ड्स वगैरह है, और क्या यहाँ बात मेरे है। हाँ शील्ड्स है, अभी इधर मेरे मेडल्स है, मेरे जो इधर नहीं है प्रेजेंट, इसके अलावा मेरे जो है, तो मेरे कुछ क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं था, मेरे कुछ मेडल्स दूसरे कमरे में है। सही है, बिल्कुल ठीक है। तो अब तो आपको ये नई जगह बनानी पड़ेगी इसके लिए, ये अब आपका जो पीछे शोकेस है ये थोड़ा सा छोटा हो गया है, अब ये अब आपको नया बनाना पड़ेगा। अच्छा जी, कोई नेटवर्क का थोड़ा सा इश्यू हमारा हो रहा है, क्योंकि मूवमेंट हुई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा नेटवर्क डिस्टर्ब होता है। जैसे ही नेटवर्क स्टेबल होता है शायद तक तो हम इनसे फिर बात करते हैं। और इस वक्त तो बिल्कुल फ्रेम फ्रीज है इनका, जैसे ही इनका फ्रेम दोबारा से एक्टिव होता है तो हम इनसे इंशाल्लाह जरूर बात करेंगे। आप लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त
नेटवर्क इशू ये हो जाता है कभी कभार, मूवमेंट करने से जो है वो नेटवर्क की वेव्स डिस्टर्ब होती हैं, और मुझे उसका अंदाज़ा था पहले, लेकिन खैर कोई बात नहीं। हमने मेडल्स किस तरह इन्होंने सजा करके रखे हुए हैं वो हमने आपके साथ ज़रूर शेयर करना था। उस वक्त कुछ कमेंट हम ले लेते हैं प्रोग्राम में, और उसके बाद फिर हम दोबारा जैसे ही हमारे साथ शायद अब्बासी ज्वाइन करती हैं उनको लाइव लाएंगे। अमर भट्ट भाई कह रहे हैं एजाज भाई शोकेस गिफ्ट भेज दें ताकि और मेडल आ सकें। ठीक है, बिल्कुल, इनको इनको एक बड़ा वाला शोकेस गिफ्ट करते हैं। ठीक है जनाब, तो वो पंजाबी में कहते हैं कि जेड़ा बोले ओहो ही कुंडा खोले। तो जनाब आप भिजवा दें फिर इनको, कोई ऐसा मसला नहीं, आपने मशवरा दिया तो आपको भिजवाना पड़ेगा उमर भट्ट साहब, एक बड़ा वाला शोकेस इनको भिजवा दें जो वॉल टू वॉल, लोग तो वॉल टू वॉल कारपेट डलवाते हैं, इनको एक वॉल टू वॉल शोकेस की जरूरत पड़ने वाली है। ठीक है जी, तो हंसने की जरूरत नहीं है, अब आपको भिजवाना पड़ेगा, अब आपने मशवरा दिया है तो आपको भिजवाना पड़ेगा। ठीक है ना, बड़े आप दांत निकाल रहे हैं, हंस रहे हैं। ठीक है जी, शायदा हमारे साथ आ गई हैं लेकिन अभी तक उनका कैमरा मुझे नजर नहीं आ रहा, तो जैसे ही उनका कैमरा मुझे नजर आता है, पिक्चर नजर आती है, तो इंशाल्लाह जरूर मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सोबी अली कह रही है कि जी योर सेट इज लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच ना, बहुत शुक्रिया, दिस इज ऑल सेट, तो बहुत शुक्रिया। सज्जाद हजारा भाई हमारे साथ हैं, कह रहे हैं माशाल्लाह आवर चैंपियन। हाँ जी बिल्कुल सज्जाद भाई, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी बस मुंतजर हैं उनके शायदा के ज्वाइन करने के, जैसे ही वो ज्वाइन करती हैं दोबारा हमें, तो हम आपके साथ उनको लाइव लाएंगे। अली अली हमारे साथ हैं, प्लीज पे हर सलाम फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है जनाब, सिडनी ऑस्ट्रेलिया से भी हमारे साथ दोस्त मौजूद हैं, और इंशाल्लाह ज़रूर आपका सलाम उन तक पहुँचेगा, लेकिन जैसे ही वो हमारे साथ आएंगी तो आपका सलाम हम उन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। लेट्स सी कि वो हमारे साथ कब ज्वाइन करती हैं, उनको एक क्विकली मैसेज मारते हैं उनको, और हाँ ये मैसेज उनका जी बिल्कुल ये नहीं, देखते हैं कि उनका नेटवर्क चल रहा है कि नहीं चल रहा, देखते हैं कि क्या सूरत हाल होती है। बहरहाल टेक्नोलॉजी है, हम लोग डिपेंडेंट हैं टेक्नोलॉजी पे, तो इसका क्या किया जा सकता है। कुछ और कमेंट आ गया जनाब, एक और कमेंट, रिजवान अली भाई हमारे साथ आ गए, कह रहे माशाल्लाह शायद अब्बासी अवर प्राउड, बिल्कुल जनाब, और इन्होंने कराटे की शर्ट भी, इन्होंने वो जो गाउन होता है वो भी इन्होंने लगाया है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जी जनाब। सलाम अलैकुम जी, नेटवर्क कुछ गड़बड़ हो गई थी, वो जब हम चलते हैं ना तो वो जरा थोड़ा सा नेटवर्क खराब हो जाता है जी, थोड़ा सा माइक करीब कर लीजिए शायदा जी, नेटवर्क डेफिनेटली स्लो है बिल्कुल इस वक्त नेटवर्क स्लो हो गया है, क्योंकि नेट की स्पीड यहाँ हमारे यहाँ भी आजकल इसके ऊपर इफेक्ट हो रहा है, क्योंकि लोग घरों में बैठे हैं, लॉकडाउन में बैठे हैं, तो आजकल नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियोस और ये इस तरह की चीज़ें चल रही हैं, लोग देख रहे हैं, वीडियो कॉलें चल रही हैं लोगों की, तो वो फिर नेट के ऊपर डेफिनेटली इम्पेक्ट होता है। बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, चलें जैसे ही इनकी दोबारा से कनेक्टिविटी बेहतर होती है तो इनको हम बिल्कुल इनसे बात करेंगे, और फिर डिस्कनेक्ट हो गई हमसे वो, लेट्स सी कि क्या होता है। मीनवाइल आप लोग बताइए कि कोरोना की क्या सूरत हाल आपके इलाके में चल रही है, आप लोग सेफ हैं, अपना ख्याल रखें, लॉकडाउन में रहें, और अपने आप को सेफ रखें और अपने आसपास के लोगों को सेफ रखें, ताकि उनको जो है वो कोरोना ना लग सके, क्योंकि ये एक तरह से करीब लोगों के होने से ये बीमारी लग जाती है। तो सेफ डिस्टेंस, आप सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और अपने आप को
लोगों से दूर रखें और खुद भी लोगों से दूर रहने की कोशिश करें। शायदा अब्बासी हमारे साथ आ गई दोबारा वापस। जी शायदा, जी सर, नेटवर्क का इशू हो रहा है हमारा, कोई बात नहीं। आप माइक को थोड़ा सा और करीब कर लीजिए अपने, ताकि हम आपकी आवाज़ ज़्यादा क्लियर सुन सकें। सही ठीक है, है जी, आ अब रही है बेहतर हो सर। गया। जी बिल्कुल, अब बेहतर आ रही है, बहुत शुक्रिया। अच्छा जनाब, तो हमने आपकी प्रोग्रेस माशाल्लाह से शेयर की, हमारी नेक तमन्नाएं आपके आपके साथ हैं। और एक कमेंट आया था, आपको सलाम कहा इन्होंने सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, अली अली ने, कह रहे प्लीज पे हर सलाम फ्रॉम मी फ्रॉम सिडनी ऑस्ट्रेलिया। वालेकुम सलाम, तो श्योर। जनाब ये आपको सलाम पहुंच गया। और एक और कमेंट था सज्जाद हजारा भाई का, इन्होंने कहा कि जी माशाल्लाह आवर चैंपियन। जी बिल्कुल ठीक है, और ये सारे के सारे हमारे पास कमेंट थे। और इन्होंने एक और कमेंट किया था रिजवान अली भाई ने, माशाल्लाह शाहिद अब्बासी अवर प्राउड। और इन्होंने ये कहीं से इमोजी ढूंढ के, ये इन्होंने कराटे का गाउन का इमोजी लगा हाँ दिया है इन्होंने। सही हमारी है, बहन जरीन सत्तार गनी वाला कराची से कह रही है ओके, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, तो आपकी माशाल्लाह से विनिंग, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम एक सेगमेंट आपके साथ खेलेंगे, और उस सेगमेंट का नाम है, गेम का नाम है यू एंड क्यू, यानी यू एंड क्यू, क्यू फॉर कुरैशी। ठीक हो गया जी? जी, तो आप रेडी हैं? बिल्कुल। आप फिल्में देखती हैं, टीवी देखती हैं? आप फिल्में तो ज्यादा नहीं देखती। टीवी देखती हैं? हाँ, मौका मिल रहा है अभी कोरोना वायरस की वजह से, सारे जगह लॉकडाउन है। लॉकडाउन की वजह से और जी, कुछ अभी करने को अच्छा। नहीं है तो मूवीज ही देखते हैं, ड्रामे देखते हैं। जी ठीक है, बिल्कुल। यू एंड क्यू में हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होता है मल्टीपल चॉइस के दो क्वेश्चंस होते हैं, और हमारे पास रैपिड फायर होता है। उसमें मैं आपको एक लफ्ज दूंगा, उस लफ्ज को सुन के जो भी आपके जहन में जो पहली चीज आ रही है वो आपने कह देनी है। ठीक है? ठीक है, ठीक ओके है अच्छा जी, तो रेडी हैं आप सवाल के लिए? ठीक जी। है, कराटे चैंपियन तो आप हैं ही माशाल्लाह से, इंटरनेशनल और नेशनल, लेकिन अब एक फिल्म में आपको हीरोइन कास्ट कर लिया गया है, आप हीरोइन कास्ट हो गई। ठीक वाह है? वाह। हाँ वाह, आप हीरोइन बन चुकी हैं, और अब आपको अपना हीरो पिक करना है। पांच नाम आपको मैं बताऊंगा, उनमें से आपको एक नाम पिक करना है। ठीक है? पहला ओके नाम है फवाद खान, नंबर टू हमजा अली अब्बासी, नंबर थ्री एहसन खान, नंबर चार इमरान अब्बास, और पांच नंबर पे हैं फैसल कुरैशी। किसको पिक करेंगे अपना हीरो? फर्स्ट वन फर्स्ट वन फवाद खान को। अच्छा जी, ठीक मैं वेट कर रही थी कि आप एक और का नाम ले, लेकिन आपने ले लिया। दानिश है। अच्छा वो कौन है? दानिश तैमूर। तैमूर। हाँ दानिश तैमूर, दानिश तैमूर को भी लिस्ट में शामिल करेंगे, लेकिन मेरा ख्याल है पांच बहुत हैं। दानिश तैमूर बहुत अच्छा एक्टर है, यस आई लव हिम। अच्छा उसी फिल्म में आप हीरोइन हैं, और अब आपको अपनी साइड हीरोइन पिक करनी है। पांच नाम बताऊंगा, उनमें से आपको पिक करना है। अपनी बहन को नहीं पिक कर सकती हैं आप, साबरा बतूर को। ठीक है ओके ना? ठीक है। पहला नाम है सनम बलोच, नंबर दो है मावरा, नंबर तीन है माहिरा खान, नंबर चार सबा कमर, और नंबर पांच महवेश हयात खान। किसको पिक करेंगे? सबा सबा कमर कमर। को पिक करेंगे। क्या बात, सबा कमर बहुत जबरदस्त एक्ट्रेस हैं, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जनाब, कुछ कमेंट आपके आ रहे हैं जनाब, मैं कमेंट लूंगा लेकिन इस सेगमेंट के बाद इंशाल्लाह, क्योंकि इस सेगमेंट में हमें कंटिन्यूटी जो है ना वो चाहिए होती है। चलें जी, तो आपका सबसे पहला वर्ड जो रैपिड फायर का है, इसको लेके जो भी आपके जहन में आता है इन अल्फाज को, वो आपने फौरन कह देना है। नंबर वन है घर। जी सर, घर घर मैं क्या बताऊँ सर इसके बारे में। कुछ तो बताए ना, कुछ क्या आता है घर का नाम, नाम सुन के क्या आता है जहन में आपके? रेस्ट, रेस्ट। ठीक है, चाय। सुकून, चाय से सुकून मिलता है। ठीक है, हवा, ब्रीथ, सांस लेने की सर। सांस लेने के लिए फ्रेश चाहिए, एयर, फ्रेश एयर, बिल्कुल ठीक है। घोड़ा, राइडिंग, राइडिंग राइड, फॉर राइड। ठीक है, पहाड़, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग फॉर वर्कआउट सर। वर्कआउट करने के लिए क्लाइंबिंग करने के। ठीक है बिल्कुल ठीक है, बिरयानी। की बुक। पेट की भूख लग जाती है बिरयानी का नाम सुन के। अगला लफ्ज है चमचा, सर चम्मच, चम्मच। चम्मच सूप।
सूप, ठीक है, यानी सब आपको भूख लगी हुई है इस वक्त फुल टाइम. जी बिल्कुल. सही है. अच्छा, अगला लफ्ज है दोस्त. हर्ट शेयरिंग. ठीक है, अगला लफ्ज है पड़ोसन. सैम्पथी. सिंपैथी. आपको उनसे या उनको आपसे? सही दोनों एक दूसरे से. साइड से सैम्पथी नहीं होती सर. दोनों को जरूरी है. ठीक है, अगला लफ्ज है मोहब्बत. शेयरिंग इज केयरिंग. शेयरिंग इज केयरिंग. ठीक है जी, शेयरिंग बहुत जरूरी है मोहब्बत में. ठीक है, उल्लू. उल्लू पठान. ना सॉरी सॉरी, करें. आई डिडंट मीन दैट. आई जस्ट हाँ, मीन दैट इट इज नहीं, बिल्कुल जोक ठीक है, ठीक है, जोक ठीक जोक है, जोक है, ऑल्सो फॉर एक जोक. जोक है, बिल्कुल एक जोक है. कहानी, कहानी बच्चों के लिए सर. बच्चों के लिए कहानियां होती हैं. ठीक है, अगला लफ्ज है गधा. गधा. माय गॉड, दिस इज वेरी डिफिकल्ट. पीपल यूज दैट फॉर डूइंग देयर वर्क, बट आई माय फील माय माइंड सेट इज नॉट दैट दैट दे शुड डू दैट. ओनली एनिमल्स आर फॉर वर्किंग. वी हैव टू हैव सिंपैथी फॉर एनिमल्स टू. सर सिंपैथी फॉर समटाइम्स एनिमल्स. यस बिल्कुल सर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अगला लफ्ज है कलम, पेन. टैलेंट, टैलेंट. पेन को यूज करना भी टैलेंट है, बिल्कुल ठीक है. अगला लफ्ज है सास, मदर इन लॉ. सास अभी नहीं है आपकी. सास सास सर. द ऑनर ऑफ चिल्ड्रन. ऑनर ऑफ चिल्ड्रन होती है, जो उनके बच्चे होते हैं. ठीक है, ठीक हो गया. अगला लफ्ज है जनाब ड्राइवर. ठीक ड्राइवर. सर आप इतने सख्त सख्त क्वेश्चंस कर रहे हो, मेरे जो माइंड सेट बिल्कुल खत्म हो गई है. है, माइंड खत्म हो गई. ड्राइवर तो ड्राइवर बताए ना, ड्राइवर कौन है आपका? सर अभी जो है मेरा माय फादर सॉरी. फादर. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. अगला लफ्ज है दिल. दिल इज माय मदर. वालदा आपका दिल है, माशाल्लाह. और आखिरी लफ्ज है पाकिस्तान. क्या पाकिस्तान माय प्राउड. बात है, प्राउड. और आप हमारा फख्र हैं पाकिस्तान का जनाब. बहुत बहुत शुक्रिया. तो ये था हमारा आज का सेगमेंट UNQ. आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा. एक और कमेंट आ गया जनाब, ले लेते हैं कमेंट इनका. और हाजी मुर्तजा जाफरी भाई हमारे साथ हैं, और माशाल्लाह का इन्होंने, बहुत शुक्रिया जनाब, थैंक यू सो मच. और बहुत सारे और कमेंट्स हैं, इंशाल्लाह जरूर प्रोग्राम में लेंगे. चलें जनाब, कोई क्या मैसेज आपका हमारे व्यूवर्स के लिए, क्या है जिन को गेम्स में आना है या कोई नेशनल टीम का हिस्सा बनना चाहते हैं, क्या करें वो, किस तरह जो अपने शौक को वो पूरा करें? सर हम हमेशा सोचते हैं कि लोगों का गिला है, शिकवा है कि हमने मतलब पाकिस्तान ने हमारे लिए क्या किया. हमेशा यही कहते हैं कि पाकिस्तान हमारे उन्होंने हमारे लिए क्या किया, हम क्यों करें पाकिस्तान के लिए ये वो वगैरह, सब यही गिला करते हैं. लेकिन मेरे उस्ताद हमेशा कहते हैं कि हमने क्या किया पाकिस्तान के लिए, हमने क्या किया है पाकिस्तान के लिए. हमारा यहाँ हम सिटीजन हम लोगों का यही जिम्मेदारी है, यही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पाकिस्तान का हमेशा नाम फख्र से ऊंचा करें, उसका फ्लैग हर जगह लहराए, ताकि जो बाकी ममालिक है जो अदर कंट्रीज है वो फख्र से कहे कि पाकिस्तान भी एक डेवलप कंट्री है, पाकिस्तान भी डेवलप कंट्रीज में आता है. तो हमें चाहिए कि पाकिस्तान का नाम हमेशा हर जगह ऊंचा करे, और उसके जो फ्लैग है उसके एंथम है उसको हर जगह लहराए, और उसके एंथम हर जगह बजवाए, क्योंकि सब स्ट्रेंजर्स खड़े होके सलामी पेश करे. तो मेरा बिल्कुल लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि चाहे वो एजुकेशन में हो, स्पोर्ट्स में हो, किसी भी चीज़ में हो, टैलेंट की कमी किसी में नहीं होती है, हर किसी में एक टैलेंट छुपा हुआ होता है. लेकिन ऐसे ही, उसको आपने कोशिश करना है कि उसको आप निकालो, उसको दिखाओ लोगों को, ऐसे क्योंकि ही. जब तक आप कोशिश नहीं करेंगे कोई आप पे जोर ज़बरदस्ती नहीं डालेगा. तो आपको चाहिए आप अपनी मेहनत करो ताकि आप अपनी किसी मकाम पे पहुंचो और पाकिस्तान का नाम रोशन करो. मैं अपनी जगह मैं नहीं कहती हूँ कि आप सिर्फ स्पोर्ट्स में हो, वो भी खास तौर पर मेरे स्पोर्ट्स कराटे में, लेकिन मैं हमेशा यही दुआ गो हूँ कि आप जो भी करो लेकिन पाकिस्तान का नाम
ऊंचा करो और पाकिस्तान का परचम हर जगह लहराओ, क्या क्योंकि बात, इससे हमारी पहचान है, इसी ग्रीन कलर से हमारी शान है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं देख रहा हूं कि आपका कम्बिनेशन जो है वो ग्रीन, पाकिस्तान जिंदाबाद, आपका ग्रीन कोट है और आप बिल्कुल पाकिस्तान का फ्लैग बनी हुई है इस वक्त। आपका स्कार्फ व्हाइट है और आपका कोट ग्रीन है, तो आपने झंडे का नाम, आपने झंडे ऊंचा किया हुआ है। और आप कौमी तराना भी जब बजता है तो इंसान के दिल की अजीब कैफियत होती है, जब आपको देखा बहुत कि आप सो रही थी ये इंसान। पॉडियम पे आप खड़ी हुई हैं और फर्स्ट आप आ गई हैं और पाकिस्तान का कौमी तराना, और वो देखा कि झंडा जो है वो ऊपर जा रहा है, सबसे पहले फर्स्ट वाले का ऊपर पहुंचता है, फिर सेकंड वाले का पहुंचता है, फिर थर्ड वाले का पहुंचता है, बड़ी बात होती है माशाल्लाह। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको इसी तरह कामयाबियां अता करता रहे और अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। दो तीन कमेंट्स और आ गए, मैं ले लेता हूँ। हाजी मुर्तजा जाफरी ने कहा माशाल्लाह, और जैनब रजा अशरफी हमारे साथ हैं, कह रही है हाय टू शाहिदा फ्रॉम कजन। जनाब थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। और जैनब रजा जाफरी अशरफी ने कहा कि जी शाहिदा माय हस्बैंड फेवरेट कजन फ्रॉम माय फैमिली। क्या बात है जनाब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच जनाब, बहुत शुक्रिया। मेरा चलें सर एक जी आपकी वीडियो की तरफ से मतलब मैं अपना पैगाम पहुंचाना चाहती हूँ कि जी मैं हमेशा शुक्रगुजार हूँ अपने कम्युनिटी के, अपने सूबे के, हमारे जो पाकिस्तान कराटे फेडरेशन है, सेक्रेटरी है, हमारी जो चीफ रेफरी है, मेरे जो कोचिस है, जो सर शाम है, सर खालिद है, उस्मा बाजी है, मेरे जो लेजेंड टीचर है सेंसे गुलाम अली, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरे क्लब मेट्स हैं, मेरे जो फैमिली है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मैं हमेशा उनसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि हमेशा हमेशा के लिए मेरे हमेशा मेरे लिए दुआगो हो और हमेशा मेरे लिए दुआ करे, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हमेशा मैं पाकिस्तान का नाम फख्र से ऊंचा करो और आप लोगों की जो दिल की जो दुआएं मेरे लिए वो हमेशा बरकरार रहे, कि मैं हमेशा गोल लेकर आऊँ आप लोगों के लिए और आपका नाम रोशन करो। बहुत जबरदस्त मैसेज आपका जनाब, बहुत शुक्रिया, आपने सबको याद रखा फाइनल मैसेज में अपने, और आप के लिए हमारी दुआएं हैं कि अल्लाह ताला आपको और बहुत सारी, अभी तो दिस इज जस्ट अ स्टार्ट, वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ बिगनिंग, तो इनशाला सितारों से आगे जहां और भी हैं, और अभी तो इनशाला और भी इम्तहान बाकी हैं। बहुत शुक्रिया। एक और कॉमेंट आ गया, आखिरी कॉमेंट ले रहे हैं। शाजी ने कहा कि जी प्राउड ऑफ यू बाजी, कीप इट अप, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया शाजी आपका, थैंक यू। शाजी हैं या शेजी हैं, बहरहाल जो भी है। चलें जनाब, शाहिद अब्बासी साहबा, आपका ड्रीम्स टेलीविजन की तरफ से, दी एजाज कुरैशी शो की तरफ से, मेरी तरफ से जाती तौर पर, तमाम मेरी टीम मेंबर्स की तरफ से जो मुझे इस शो को रन करने में हेल्प करते हैं, और वो तमाम दोस्त जिन्होंने इस शो को लाइव वॉच किया, कमेंट किए, या वो लोग जो अपने टाइम जोन के मुताबिक इस शो को वॉच करेंगे और कमेंट करेंगे, उन तमाम की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला और अपनी विनिंग्स हमारे साथ शेयर की। हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए, आपके करियर में और आपके रिस्क में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, आपको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, और आप इसी तरह पाकिस्तान के लिए गोल्ड पे गोल्ड, गोल्ड पे गोल्ड जीतती चली जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह आप लोगों को भी सेहत दे, आप लोगों को भी हमेशा खुश रखे। आमीन। आमीन आमीन, और अल्लाह कोरोना हाफिज, वायरस से जरूर बचे। अल्लाह वायरस हाफिज। से जरूर बचे, ये फाइनल मैसेज बहुत जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जी व्यूअर्स, ये थे हमारे साथ आज शाहिद अब्बासी, क्वेटा बलूचिस्तान से, हजारा कम्युनिटी की मेंबर हैं और बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं पाकिस्तान के लिए। बेतहाशा गोल्ड इन्होंने और सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल्स जीते हैं, कराटे की चैंपियन इंटरनेशनल और नेशनल, इनको सपोर्ट करना हमारा सबका फर्ज है, तो इनको जरूर फॉलो कीजिए, और अगर इनसे आप कनेक्ट हो तो इनको जरूर आप पाकिस्तान को सपोर्ट कीजिए। इंशाल्लाह अगले शो में फिर किसी और मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी, उस वक्त तक अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिए, कोरोना से बचिए, आइसोलेशन में रहिए, खुद भी बचिए, दूसरों को भी बचाइए। अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।